भाई वाह, क्या अपडेट दिया है, लिस्टिंग अलर्ट। हाँ दोस्तों, आइस नेटवर्क में लिस्टिंग का अपडेट आ चुका है, विड्रॉल का भी अपडेट आ चुका है। आइस ब्लॉकचेन गेट लिस्टेड एक्सक्लूसिवली ऑन OKX। तो आइस कॉइन OKX एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है। डिपॉजिट ओपन, सो इसका डिपॉजिट ओपन हो चुका है। स्पॉट ट्रेडिंग 10 AM January 19 UTC। सो UTC के 10 AM के टाइम के हिसाब से इंडिया का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो तब हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी हम स्पॉट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये टाइम कन्वर्टर है, आप यहाँ से देख सकते हो 10 AM UTC टाइम का इंडिया में दोपहर के 3:30 होता है। तो 19 तारीख को दोपहर में 3:30 आइस कॉइन लिस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो टाइम का था। अब जिन दोस्तों के पास गैस फीस नहीं है, उनके रिलेटेड भी बहुत ही बड़े अपडेट दे दिए, वो भी हम आगे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले OKX एक्सचेंज पर चेक कर लेते हैं। OKX एक्सचेंज में आप होम वाले पेज पर ही देख सकते हो, न्यू वाले सेक्शन में जाना, ISUSDT 19/1/15/30 को लिस्ट होगा। तो ये इंडिया का टाइम है, तो इंडिया के टाइम के हिसाब से दोपहर के 3:30 बजते हैं। ठीक है, काउंट डाउन 76 hours 48 minutes लेफ्ट, तो सिर्फ 76 घंटे ही बाकी है। OKX एक्सचेंज की तरफ से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। दोस्तों, अब हमारी असल विक्ट्री यहाँ पर है। इस पैराग्राफ में जो कुछ कहा है वो समझने लायक है। आइस लीड टू टैप टू माइन टेक्नोलॉजी, यानी जो पाई नेटवर्क से शुरू हुआ है, ये 24 घंटे में एक बार आना है और माइनिंग को एक्टिव करना है, इसको टैप टू माइन टेक्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, आज तक कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट ने इस वर्ड का यूज़ नहीं किया है। टैप टू माइन या फिर मोबाइल माइनिंग या फिर मोबाइल माइनिंग क्रिप्टो, ऐसे वर्ड का कभी भी यूज़ नहीं हुआ है। एयर ड्रॉप, गिव अवे, इस तरीके का वर्ड का यूज़ होता था। लेकिन अब ओपनली आइस नेटवर्क ने भी, और जैसे कल के वीडियो में बताया था, सर्टिक ने भी ओपनली कह दिया है कि भाई ये मोबाइल माइनिंग है और टैप टू माइनिंग टेक्नोलॉजी है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 3 साल से जो मैं आपको कहता आ रहा हूँ, आज इसका प्रूफ भी आपको यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, तो मोबाइल माइनिंग क्रिप्टो करेंसी भी एक नया फीचर है, एक नई टेक्नोलॉजी है, बस यही मान के चलो। ये भी अब यहाँ से प्रूव हो चुका है, टैप टू माइन टेक्नोलॉजी यूनाइटिंग मिलियंस इन इट्स कम्युनिटी टू फॉरगिव Web2 to Web3 ब्रिज। तो हाँ दोस्तों, मिलियंस ऑफ यूजर यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत ही बड़ी कम्युनिटी बना रहे हैं, तो हम Web2 से Web3 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो Web3 का एरा चल रहा है, वहाँ पर ये हमको सीमलेस एक्सपीरियंस जरूर से करवाएंगे। अब बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई हमारे पास BNB नहीं है, कहाँ से खरीदे, क्या करे, कैसे करे, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया है। प्लीज़ अपडेट योर एड्रेस विद द ISBN फ्रॉम द OKX एक्सचेंज एंड अवॉइड पेइंग एनी गैस फीस। तो जिन दोस्तों के पास गैस फीस नहीं है, वो दोस्त OKX एक्सचेंज का BNB का वॉलेट दे सकते हैं। तो आपका जो भी अमाउंट होगा वो OKX एक्सचेंज में डायरेक्ट मिल जाएगा, और फिर वहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेडिंग भी कर पाओगे, तो आपको यहाँ पर गैस फीस खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जो दोस्त डिसेंट्रलाइज है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, मीटामास्क है, तो वहाँ पर भी आप बाइनांस स्मार्ट चेन पर आइस कॉइन का वॉलेट एड्रेस जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दिया है, इन्होंने आज दिया है लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, 13 जनवरी को मैंने आपको दे दिया था, ये वाला कॉन्टैक्ट एड्रेस है, आप चेक कर सकते हो, सेम टू सेम कॉन्टैक्ट एड्रेस लेटेस्ट अपडेट में दिया है, तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। तो यही प्रॉफिट होता है क्रिप्टो न्यूज़ टीवी चैनल के साथ ज्वाइन होने का, और टेलीग्राम का चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेने का। बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ से वॉलेट को भी जनरेट कर लिया है। दोस्तों, अब आपको OKX का वॉलेट है वहाँ पर डायरेक्ट विड्रॉल लेने के लिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में चले जाना है। ठीक है, आपको OKX एक्सचेंज पर आ जाना है, और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है एसेट, यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद डिपॉजिट वाला ऑप्शन है पहला, यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और डिपॉजिट क्रिप्टो लिखा है वहाँ पर क्लिक कर लेना, और टॉप पर सर्च लिखा है, यहाँ पर आइस सर्च करोगे तो आपको आइस का वॉलेट मिल जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना, और नीचे पॉपअप आएगा ISBSC, उस पर क्लिक कर लोगे तो आपको वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा। इस वॉलेट एड्रेस को एप्लीकेशन में दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपकी आंखों के सामने यहाँ से कॉपी कर लिया और आइस नेटवर्क एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। ठीक है, अब BNB स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है वहाँ पर क्लिक कर लेना, और जो पुराना वाला एड्रेस है इसको यहाँ से हटा देना, और ये जो नया वाला एड्रेस है उसको यहाँ पर डाल लेना, और नीचे कंफर्म एड्रेस लिखा है वहाँ पर क्लिक कर लेना। तो ऐसा पॉपअप देखने को मिलेगा, यहाँ से कंफर्म कर लेना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा जो पुराना वाला वॉलेट एड्रेस था वो चेंज हो चुका है और नया वाला वॉलेट एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से BNB का वॉलेट डाल लेना है। अब कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन है कि भाई हमारा वॉलेट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका एक ही रीज़न है कि इन्होंने नई अपडेट दी है, तो उस अपडेट से आपको एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करना है। आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, उसका प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया होगा, इनका वॉलेट यहाँ से चेंज नहीं होगा, अब वो लोग परेशान हो रहे होंगे। तो प्ले स्टोर पर है, मैं लाइव में बता रहा हूँ, देख लो अपडेट आई है लेकिन मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो आपको भी अपडेट नहीं करना है। दूसरे यूट्यूबर से
वो जल्दबाजी में वीडियो बना देते हैं और व्यूज़ ले लेते हैं, लेकिन उससे जो यूजर्स होते हैं, पायोनियर्स होते हैं, उनका बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का लॉस हुआ है। और मुझे टेलीग्राम वगैरह पर भी बताया है कि भाई अब हमारा वॉलेट अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसका एक मेन रीज़न यही है कि आपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया होगा, तो अब आपका वही वाला वॉलेट रहेगा, वहाँ पर आपको विड्रॉल मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हर अपडेट को अच्छे से जानो, मेरा वीडियो देखो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। दूसरे यूट्यूबर्स व्यूज़ के चक्कर में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और फिर आप फंस जाते हो। तो आप मेरा वीडियो देखने के बाद ही कोई एक्शन लो, जो मेरे रेफरल लिंक से और मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन हुए हो। आपको किसी और यूट्यूबर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। भले ही मेरा एक दिन के बाद वीडियो आएगा, थोड़ा लेट आएगा, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल पक्की होगी और बिल्कुल सही होगी, ठीक है। आपका ज़रा बराबर भी लॉस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूँ और आप तक कोई भी अपडेट पहुँचाता हूँ। दोस्तों एक और अपडेट है, यहाँ पर देख लो, बहुत सारे दोस्त रोजाना माइनिंग करते हैं, एक्टिव भी है, लेकिन अभी तक KYC नहीं किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से विड्रॉल नहीं मिलेगा, इस बात को याद रख लेना। विड्रॉल लेने के लिए KYC करना जरूरी है। जब तक आपकी KYC कंप्लीट नहीं होगी तब तक विड्रॉल नहीं मिलेगा। KYC के रिलेटेड भी बहुत सारे दोस्तों को बहुत प्रॉब्लम है। तो एक बात याद रख लो, फेज़ 1 की KYC है वो सभी के लिए लाइव हो चुकी है, लेकिन जो फेज़ 2 की KYC है उसके लिए आपको रोजाना माइनिंग करते रहना है। एक वीक तक माइनिंग करते रहोगे, उसके बाद ही आपका KYC 2 है उसका ऑप्शन अचानक से आपको ओपन होकर मिल जाएगा। तो यहाँ से रोजाना माइनिंग को स्टार्ट करने के बाद 15-20 सेकंड तक का वेट कर लेना है। आपको कभी भी KYC 2 का ऑप्शन मिल जाएगा तो तुरंत आपको फेस वेरिफिकेशन कर लेना है। और जिन दोस्तों को KYC 2 करने में जो ट्वीट है वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, ट्विटर में चले जाना होता है और फिर ट्विटर में रीपोस्ट वाला होगा, तो वहाँ पर आपको कोई ट्वीट है वहाँ पर क्लिक करके आपने जो मैसेज कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है, फिर उसको रीट्वीट कर देना है, ठीक है। तो एक तरह से ये रीपोस्ट नहीं होगा बल्कि कोई ट्वीट होगा, उसका लिंक लेकर इनको देना है, तब जाकर आपकी KYC कंप्लीट होगी। तो इतना सिंपल सा है, इस बात को याद रख लेना। जो इनकी ट्वीट है इसको डायरेक्टली रिपोस्ट कर देते हैं, फिर उसका लिंक देते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो आपको रिपोस्ट नहीं करना है बल्कि क्वेट ट्वीट करना है और उसके साथ आपका यूजरनेम वाला मैसेज होगा उसको भी वहाँ पर डाल देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से रिपोस्ट करोगे तो आपका KYC सक्सेस हो जाएगा। अब इसका विड्रॉल कब होगा वो भी देख लो। डिस्ट्रीब्यूशन इज शेड्यूल टू स्टार्ट दिस वीक ऑन 17 जनवरी बाय द एंड ऑफ द डे। तो 19 जनवरी का लिस्टिंग है और 17 जनवरी से इसका विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चन एंड क्वेरी है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर कर लेंगे, वो वीडियो भी आज ही आ जाएगा, तो परेशान मत होना, ठीक है दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूशन का डेट एंड टाइम है, लिस्टिंग का भी डेट एंड टाइम है, उसके साथ एक और नई अपडेट है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो भाई कुछ शर्तें रखी है, वो कंप्लीट करोगे तो ही आपको यहाँ से विड्रॉल मिलेगा। तो मैं बार बार ये सब कुछ आपको बताता रहा हूँ, अब इन्होंने ऑफिशियली बता दिया है। पहला है मिनिमम बैलेंस 1000 का होना चाहिए। तो जिन दोस्तों के पास 1000 आइस कॉइन से कम बैलेंस होगा उनको विड्रॉल नहीं मिलेगा। दूसरा है KYC वेरिफिकेशन। तो KYC स्टेप 1 एंड KYC स्टेप 2 वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। तो दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाने चाहिए और आपका अकाउंट ग्रीन टिक हो जाना चाहिए, तो ही आपको यहाँ से विड्रॉल मिलेगा। तीसरी कंडीशन है BNB स्मार्ट चेन एड्रेस। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बाइनांस स्मार्ट चेन का वॉलेट होगा वहीं पर ही आपको विड्रॉल मिलेगा। अगर इसके अलावा और कोई ब्लॉकचेन का वॉलेट दिया है तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। एक्टिव माइनिंग सेशन एंड एक्टिव माइनिंग सेशन टू पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों एप्लीकेशन में आपका माइनिंग एक्टिव होना जरूरी है, अगर इनएक्टिव रहोगे तो यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्टिव रहना जरूरी है, अब रोजाना एक्टिव करते रहिए और जैसे अगले वीडियो में बताया है आप हर 12 घंटे कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन में आ सकते हो और माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हो, तो इससे आपका माइनिंग इनएक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ये 4 कंडीशन है, इसको फुलफिल कर लेना तो ही आपको विड्रॉल मिलेगा, वरना आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। अब जिन दोस्तों का KYC नहीं हुआ है आपको परेशान नहीं होना है, आज का आखिरी दिन है, आज आपका KYC कंप्लीट कर लोगे तो विड्रॉल मिल जाएगा। अगर आज भी KYC कंप्लीट ना कर पाओ तो आपको परेशान नहीं होना है, 1 महीने के बाद आपको KYC कंप्लीट करने का मौका मिलेगा और उसके बाद आपका विड्रॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। और KYC करने में जो भी परेशानी आ रही है पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया है, और जो पहला वीडियो था KYC का उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके एक बार जरूर से देख लेना और KYC को कंप्लीट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और बड़ी अपडेट के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।